कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वो अकल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। तबीयत की नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ करेगा। अगर किसी का ज़र्फ आजमाना हो तो उसको ज्यादा इज्जत दो। वो आला ज़र्फ हुआ तो आपको और ज्यादा इज्जत देगा, और कम ज़र्फ हुआ तो खुद को आला समझेगा। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज्यादा बेहतर है ऐसे अमल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अगर दोस्ती तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है।